जय हिंद नमस्कार मैं आनंद विश्वकर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबकी सबसे फेवरेट क्लास में बेटा आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की चैप्टर नंबर यानी एक्सरसाइज 4.3 को तो जल्दी जल्दी से आ जाओ गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइज वॉइस क्लियर है सब एवरीथिंग इज क्लियर ना एवरीथिंग इज क्लियर सही है वॉइस क्लियर है बच्चों लेट मी चेक ओके डन 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 बहुत अच्छा बेटा चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 4.3 के एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस तो सबसे पहले बच्चों आज हम कर, जो करने वाले हैं वो हमारा है टॉपिक्स एक्सरसाइज 4.3 के सारे के सारे क्वेश्चंस वन शॉट में खत्म करेंगे बच्चा 4.2 4.1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है तो आई होप आप सभी ने इन सभी को सभी सारे जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को अच्छे से डिस्कस किया होगा सॉल्व कर लिया होगा अब कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा बेटा अगर कुछ भी डाउट रहता है तो लाइव सेशन में आकर के आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हो बच्चा ठीक है इज दैट क्लियर एवरी चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये रहा आपके पास क्या लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट मैंने आप लोगों को क्या समझाया था बेटा कि जब कभी भी नेचर ऑफ रूट आपसे पूछा जाता है नेचर ऑफ रूट्स का पूछे पूछे जाने का मतलब क्या है बेटा वो ये डिमांड कर रहा है कि जो आप डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू को निकालोगे जो भी आप डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने वाले हो उसमें बी स्क्वायर माइनस फोर इसीवल्स टू जीरो डिफाइंड करना पड़ेगा कि अगर डी की वैल्यू जीरो आ रही है तो उसका नेचर क्या बन जाएगा अगर डी की वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो उसका नेचर बनेगा या डी की वैल्यू लेस देन जीरो या नेगेटिव आ रही है तो उसका नेचर क्या बनेगा यही क्वेश्चंस में पूछा जाता है बच्चा तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो मैंने क्या स्टेप्स आपको समझाए थे बेटा स्टेप्स मैंने समझाया था वी हैव टू कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस से कंपेयर करते हैं कंपेयर विथ ठीक है बेटा उसके बाद क्या करते हैं बच्चा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी टू सर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस थ्री सी की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव हमने तीनों की वैल्यू जब निकाल लिया है बच्चा तो आगे क्या करना पड़ेगा मैंने क्या बताया था कुछ नहीं सर बस एक चीज पर हमें ध्यान देना होता है वो क्या है बेटा कि हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं सर डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालते हैं सर बी क्या है बी है माइनस थ्री का होली स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है बच्चा टू इंटू सी कितना है फाइव तो सर थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9. 4 8, 5 जा हो जाएगी नाइन माइनस फोर टू जाएगा आपका फोर्टी इसकी वैल्यू आ जाएगी सर माइनस का थर्टी वन अब जब डी की वैल्यू माइनस थर्टी वन में आ रही है बेटा तो हम क्या करते हैं यानी डी की वैल्यू लेस देन जीरो है बच्चा सर क्यों क्योंकि d क्या आ रहा है बेटा नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव कब आता है जब वो जीरो से छोटी होती है देयर फॉर जो नेचर ऑफ रूट्स होगा बेटा नेचर ऑफ रूट्स जो होगा वो होगा नो no रियल क्या होगा बेटा नो no रियल कोई भी रियल नहीं हो सकता यही नेचर ऑफ रूट हमसे क्वेश्चन में पूछा था इज दैट क्लियर समझ में आया बस इतना ही करना था बेटा एक मार्क्स दो मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा सर वही करेंगे जो करते आ रहे हैं यानी कंपेयर विथ कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हमने कंपेयर कर लिया बच्चा अब जब हमने कंपेयर कर लिया है तो सर ए की वैल्यू क्या आ गई थ्री सर बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस फोर रीट रूट में थ्री और सर डी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास सर फोर आ गई है सर इतना तो कर लिया आगे क्या करना है कुछ नहीं बेटा वही फॉर्मूला डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सर बी क्या है माइनस फोर रीट थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए है बेटा थ्री बी है बेटा सॉरी सी है आपका फोर तो अब देखो माइनस का हो जाएगा प्लस फोर का स्क्वायर होगा 16, 16 का 3 में रूट करेंगे तो फोर्टी एट आ जाएगा माइनस फोर थ्री सा कितना होता है ट्वेल्व प्लस फोर्टी एट यानी इंटू फोर करेंगे तो फोर्टी एट बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो यानी जब कभी भी डी की वैल्यू जीरो आती है जब कभी भी डी की वैल्यू जीरो आती है बच्चा यानी अगर आपके पास डी की वैल्यू जीरो आती है तो उसका जो नेचर ऑफ रूट होगा जो नेचर ऑफ रूट होगा वो क्या होगा बेटा सर वो होगा हमारा रियल एंड इक्वल ठीक है डन समझ में आ गया, गया बेटा सबसे पहले हमने कंपेयर किया ABC की वैल्यू निकाली डिस्क्रिमिनेंट में रखा, डी की वैल्यू जीरो रियल और इक्वल क्लियर समझा इतना डन आइए नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा फर्स्ट के थ्री पर क्वेश्चन सिंपल सा वही है स्टेप्स वही फॉलो करते चलना है बेटा कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू जीरो सर ए की वैल्यू क्या टू बी की वैल्यू क्या माइनस सिक्स सी की वैल्यू क्या थ्री सब वैल्यू अगर हमने रख दिया बेटा तो बस डी निकाल दो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी बी स्क्वायर क्या बी क्या बेटा माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है बच्चा टू सी कितना है बच्चा थ्री तो माइनस सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा थर्टी सिक्स माइनस फोर टीजा एट एट थ्रीजा ट्वेंटी फोर सर इसको लेस करेंगे तो आएगा ट्वेल्व अब अगर डी की वैल्यू ट्वेल्व आ रही है बच्चा डी की वैल्यू ट्वेल्व मतलब ये पॉजिटिव है और अगर पॉजिटिव होती है तो सर डी जो होता है ना वो ग्रेटर देन जीरो होता है क्या होता है बेटा डी अगर जीरो से बड़ा क्योंकि जीरो से बड़ा है ट्वेल्व नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा इसका तो बेटा इसका जो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो बनने वाला आपका रियल तो बनेगा सर बट डिस्टिंक्ट बनेगा रियल और डिस्टिंक्ट बनेगा क्लियर समझ में आ गया बेटा बहुत इजी था था इसीलिए मैंने पहले आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए थे कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ऐसे चुटकियों में उड़ाते चलो बच्चा ठीक है डन क्लियर एवरीवन चलो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चंस कंप्लीट होता है अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के अब आपको के की वैल्यू पूछ रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स मैंने आपको क्या बताया था बेटा बच्चा कि अगर आपके पास इक्वल रूट्स रूट रियल नेचर ऑफ रूटिंग फॉर्मूला कि आप कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल दो कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल दिया तो उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दो उसके बाद जैसा डिसीजन देता है जैसा क्वेश्चन पूछता है, वैसा हम करते चले जाते हैं तो इसमें भी हम वही करेंगे बेटा लेकिन टू इक्वल रूट दे दिया इसका मतलब यहाँ पे कंफर्म आपको बता दिया है कि जो हमारा इक्वल रूट है ना बेटा वो डी की वैल्यू जीरो के बराबर मानी जाएगी क्यों क्योंकि equal roots दे रखा है तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कंपेयर तो करना ही पड़ेगा कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा टू b की वैल्यू क्या आ जाएगी k c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा थ्री जब ये सारे कंडीशन हमने सेटिस्फाइड कर दिए हैं तो हमें पता है डी की वैल्यू जीरो बेटा, क्यों बेटा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इक्वल रूट्स। इसीलिए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जीरो अब डी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ध्यान से देखो बेटा ए क्या हो जाएगा हमने ये पुट कर दिया यानी डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यही होती है जो कि अब जीरो होने वाला है यानी अब मैं आपसे पूछूं बी कितना है बच्चा तो के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है बेटा टू इंटू सी कितना है बेटा थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो अब आप देखो बेटा के स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई करो फोर टू सा जैट थ्री ज्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो तो इस माइनस ट्वेंटी फोर को यहां भेज दो क्या हो जाएगा बेटा ध्यान से देखो स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो यानी के स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर तो के की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस में रूट ट्वेंटी फोर अगर ट्वेंटी फोर को देखें टू ट्वेल्व टू सिक्स टू थ्री यानी अगर इसको के की वैल्यू अगर रखना चाहें तो प्लस माइनस टू अंडर रूट में सिक्स ये आपका फाइनल आंसर आएगा के की वैल्यू पूछा था तो एक बार प्लस में टू रूट सिक्स एक बार माइनस में टू रूट सिक्स सिंपल सा इक्वल रूट्स वर्ड देते ही डी की वैल्यू जीरो की वैल्यू मतलब निकालो बच्चा एबीसी की वैल्यू अपने डन समझ में आया क्लियर हो बेटा डन डन बहुत अच्छा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्या लिखा है बेटा आपके पास के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस टू प्लस सिक्स टू जीरो दिया है इक्वल रूट आपसे पूछ रहा है बेटा तो इक्वल रूट पूछते ही सिंपल सा वही है सर एक्सर प्लस बी एक्स प्लस सी टू जीरो से हमने कंपेयर किया ए की वैल्यू के आ जाएगी पहले सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करो बच्चा पहले उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो तो, तो सर बदले गएंगे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर इसमें करेंगे तो माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो हमारे पास आ गया है हां जी सर ये तो क्लियर हुआ अब हम कंपेयर करेंगे प्लस बी एक्स प्लस सी टू जीरो वैल्यू हो जाएगी माइनस टू के और सी की वैल्यू हो जाएगी, जाएगी बेटा सिक्स सब हमने वैल्यू रख लिया है अब जब सब वैल्यू रख लिया है बच्चा तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यानी क्या अगर ये वैल्यू वैल्यू बोल रखा इक्वल रूट्स, तो सर डी की वैल्यू जीरो भैया इक्वल रूट्स आपने बोला है यानी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू आ जाएगी जीरो अब जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो है बेटा तो बी के जगह पर वैल्यू पुट करो यानी की जगह पर क्या रखोगे माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए क्या है बेटा के इंटू सी क्या है बेटा सिक्स टू जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस टू के का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपका प्लस फोर के का स्क्वायर क्योंकि 2 का स्क्वायर टू के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस फोर सिक्स ट्वेंटी फोर के तो माइनस ट्वेंटी फोर के इक्वल्स टू जीरो अब बेटा ध्यान से देखो इन दोनों में कॉमन क्या है के कॉमन है सर यहां से मिलेगा के माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो तो एक बार फोर के की वैल्यू जीरो यानी के की वैल्यू आ जाएगी जीरो और दूसरा के माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो तो के की वैल्यू आ जाएगी सिक्स यानी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में के की वैल्यू निकल सकती है तो इस तरीके से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा इसको टिक कर लो इस क्वेश्चंस को अगर मैं बात करूं आपसे तो ये डेंजर है डेंजर मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर साल बेस्ड इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलते ही मिलते मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से के फाइंड करने के लिए आपको दिया जाएगा बेटा यानी आपसे बोलता है कि आप के फाइंड करो अगर उनके रूट्स रियल हैं फाइंड करो अगर उनके रूट्स इक्वल हैं तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रहना बेटा सबके लिए ठीक है डन और ज्यादा प्रैक्टिस करनी तो एग्जाम्पल्स उड़ा डालो एनसीआर के खत्म करो चाहे आरडी के खत्म कर लो आप लोग ठीक है बेटा डन चलो बेहतरीन आगे चलते हैं क्वेश्चन थ्री इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोम अब हमारा पहला और दूसरा खत्म हो चुका है तो तीसरा अब आपके पास वर्ड वर्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ चुका है बेटा में क्या रखा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हूज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब जितनी भी ब्रेथ होगी उसका डबल क्या होने वाला है बेटा उसका डबल होने वाला है आपके पास रेक्टेंगल क्लियर इतना समझा उसके बाद बोलता है द एरिया इज इतना और एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब दोनों चीज तो सब दे दिया है बेटा सिंपल सा जो सेवेंथ एट्थ में हम करते हैं करने आते थे ना वही हमें टेंथ में दे रखा है तो सबसे पहले जो पूछता है उसी को एज्यूम करते हैं क्या पूछ रहा है बेटा लेंथ और ब्रेथ पूछा है न, तो एज्यूम करो लेट लेट ब्रेथ इक्वल्स टू एक्स मीटर ठीक है तो लेंथ कितनी जाएगी बेटा सर x अगर मीटर हमने ब्रेथ को दिया है तो इसका टू टाइम्स क्योंकि ब्रेथ का ट्वाइस है क्या लेंथ तो ट्वाइस है लेंथ तो ये हो जाएगा सर टू एक्स मीटर क्यों सर क्योंकि उसका टू टाइम्स था ठीक है सर हमने कर लिया आगे कंडीशन कहता है कि इनका एरिया जो है 800 है तो एरिया क्या होता है बेटा सर एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू यही होता है ना हाँ जी सर यानी मैं अगर बोलूं तो लेंथ कितना है एक्स इन टू ब्रेथ कितना है टू एक्स एरिया कितना है बेटा एट हंड्रेड बस इतना सिंपल सा था क्वेश्चन टू एट हंड्रेड तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा डिवाइड यानी एट हंड्रेड डिवाइड बाई टू यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आने वाली है बच्चा वो आएगी आपकी फोर हंड्रेड तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में प्लस माइनस फोर हंड्रेड तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ट्वेंटी क्योंकि ट्वेंटी का ही स्क्वायर रूट होता है फोर हंड्रेड अब यहां पर हम एक्स की वैल्यू माइनस ट्वेंटी कभी भी नहीं लेंगे रीजन क्योंकि हम जो लेंथ और ब्रेथ होती है उसको हम नेगेटिव भी नहीं ले सकते इसीलिए x की वैल्यू प्लस ट्वेंटी में हम क्या करेंगे कॉन्क्लूड करेंगे कि ये हमारा आंसर होगा अब जब ये हमारा आंसर होगा बेटा तो जो ब्रेथ होगी वो हो जाएगी ट्वेंटी मीटर और उसका टू टाइम्स मतलब टू इंटू ट्वेंटी हो जाएगा आपका फोर्टी मीटर ब्रेथ तो पूछा क्या लेंथ और ब्रेथ हमने निकाल दिया बेटा ठीक है डन समझ में आ रहा है क्लियर बच्चों इज दैट क्लियर एवरी वन चलो बेहतरीन बच्चा नेक्स्ट चलते हैं अगर सारी सिचुएशन जो क्वेश्चन में दिया गया है वो पॉसिबल होगा तो उनकी प्रेजेंट एज निकालो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज ट्वेंटी अगर हम इसको लीनियर में सॉल्व करते हैं तो एक्स प्लस वाई बराबर ट्वेंटी बोल देते लेकिन क्वाड्रेटिक में सॉल्व करना तो मैंने तरीका बताया था 4.32 में बताया था बेटा पार्ट टू में कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक को एक्स लेते हैं दूसरे को उस बड़े वाले वैल्यू में से जो वैल्यू टोटल दिया है उसमें से माइनस कर देते हैं तो एक को एक्स तो दूसरा ट्वेंटी माइनस एक्स क्योंकि क्वाड्रेटिक में हमें एक ही वेरिएबल चाहिए होता है उसका स्क्वायर यानी पावर में टू होना चाहिए फोर इयर्स आगो आगो वर्ड आते ही क्या करते हैं बेटा माइनस करते हैं तो फोर इगो मतलब आज अगर तुम्हारी बीस एज है तो चार साल पहले कितना सोलह वैसे अगर आज की एज अगर एक्स है तो चार साल पहले क्या हो जाएगी बेटा एक्स माइनस फोर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो मेरी जो उनकी एज थी वो फोर्टी एट थी सब कुछ गिवन है बेटा सब कुछ गिवन है बस पढ़ना है और सोल्यूशन लिखना है देखो क्या लिखेंगे लेट द फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट फ्रेंड फ्रेंड दिया ना आपके पास फर्स्ट फ्रेंड्स एज इक्वल्स टू एक्स इकेंड की क्या एज हो जाएगी बेटा सर ट्वेंटी माइनस एक्स वाई मत कर दे करने बैठना बेटा ठीक है रीजन वाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक में बनाना है बच्चा ये मैंने आपको समझा दिया है आगे क्या बोल रहा है बेटा अब आगे बोल रहा है पहली कंडीशन तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि उनका सम कर दें तो ट्वेंटी जो कि मैंने कर दिया है जो कि मैंने कर दिया है इन दोनों का सम तो ट्वेंटी आता है था. आगे फोर इयर्स अगो फोर इयर्स अगो तो पहले फोर इयर्स अगो निकाल लेते हैं फोर इयर्स अगो फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो चार साल पहले कितना होगा बेटा एक्स माइनस फोर ईयर्स और सेकेंड फ्रेंड की जो एज हो जाएगी सर ट्वेंटी माइनस एक्स माइनस फोर यानी सिक्सटीन माइनस एक्स इयर्स हो जाएगी बेटा इतना समझा पूरा धीरे धीरे डिटेल में समझ में आ रहा है क्लियर हो रहा है एवरीथिंग इज क्लियर ना ठीक है बेटा आ जाओ आगे देख लो अब है इनका प्रोडक्ट कर दो किसका प्रोडक्ट करना है बेटा फोर इयर्स अगो वाले मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो प्रोडक्ट करेंगे प्रोडक्ट इक्वल्स टू तो कितना दे रखा है बेटा फोर्टी एट यही क्वेश्चन में दे रखा है तो प्रोडक्ट क्या है बेटा तो एक्स माइनस फोर इंटू सिक्सटीन माइनस एक्स इक्वल्स टू फोर्टी एट यही क्वेश्चन में करेंगे तो सर माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस फोर का 16 में करेंगे तो सर माइनस सिक्सटी फोर फिर माइनस फोर का माइनस तो, एक्स में करेंगे तो प्लस का फोर एक्स इक्वल्स टू फोर्टी एट इतना समझा सबने अब देखो पहले लिख लिया क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है 16X और प्लस 4X कितना माइनस सिक्सटी फोर को प्लस फो... इधर ट्रांसफर कर दो या इधर दोनों को इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस सिक्सटी फोर माइनस फोर्टी एट इक्वल टू जीरो क्या बन जाएगा इक्वेशन सर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स अब दोनों प्लस माइनस और नंबर प्लस जाएंगे यानी कितना जाएगा 1, 1, 12, 0. आपके पास ये क्वाड्रेटिक आ चुका है ठीक है बेटा अब इसको हमें सॉल्व करना है आ जाओ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कितना दे रखा था प्लस ट्वेंटी एक्स माइनस वन वन टू माइनस वन वन टू इक्वल्स टू जीरो अब माइनस से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस वन वन टू इक्वल टू जीरो क्यों सर? क्योंकि माइनस से हमने सब में डिवाइड कर दिया है अब हमारे पास ऐसे दो नंबर ढूंढने वन वन टू के तो वन वन टू का सबसे पहले क्या कर लेंगे बेटा प्राइम फैक्टर टू फाइव टू सिक्स जा टू ट्वेंटी जा, जा, जा से मुझे दो नंबर्स बनाने इन तीनों का जिसका सम ट्वेंटी आ जाए और मल्टीप्लाई तो वन 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 टू आएगा ही बेटा ठीक है हमें क्या ढूंढना है हमें बस ट्वेंटी बनाना इनमें से दो नंबर का चाहे प्लस करने पर चाहे मल्टीप्लाई करने पर माइनस करने पर अब अगर मैं देखूं बच्चा एक सेकेंड अगर इनका चेक करूं तो क्या हो जाएगा टू टू जा फोर टू जी एट टू जी सिक्सटीन सेवन नहीं हो सकता टू टू जा फोर टू जी एट एक भी करूं सेवन टू जी फोर्टीन करूँ तो भी नहीं हो सकता और अगर टू टू जा फोर करूं सेवन टू जा फोरटीन फोर्टीन टू जो ट्वेंटी एट तो भी नहीं होगा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं सब हमने सही किया है ना फोर ईयर्स आगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस ट्वेंटी माइनस एक्स तो सिक्सटीन माइनस एक्स हो जाएगा ठीक है इक्वल्स टू फोर्टी सिक्सटीन एक्स हो गया ठीक है माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस सिक्सटी फोर ठीक है माइनस प्लस फोर एक्स सही है ठीक है डन ठीक है बेटा डन है फोर्टी एट है हाँ जी है माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है ये सही है आपका हाँ एक सौ सही है सही सही और फिर बनाओ अगर अगर नहीं बनेगा तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला सबको पता है ना लेकिन बन जाना चाहिए देखते हैं कैसे नहीं बनता ये टू टूजा फोर टूजा एट अगर एट लिया और फोर्टीन लिया तो ट्वेंटी नहीं आएगा ठीक है डन ट्वेंटी ही आएगा ना सोलह और चार मिल करके सिक्सटीन और फोर ठीक है फोर ईयर्स होगा हाँ ठीक है चलो बेटा देखो और एट नहीं आने वाला है और क्या सोचो दिमाग दिमाग लगाओ सेवन सेवन टू जा फोर्टीन ले लू टू टू जा फोर टू जा एट तो नहीं आ रहा है तो ये हमारा जो है ना पॉसिबल नहीं है तो इसको हम इस तरीके से निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालते हैं क्वाड्रेटिक क्योंकि देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो ना बेटा तो सिंपल सा है, कि अगर नहीं हो रहा है और वो वर्ड प्रॉब्लम में आया तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के पास ट्वेंटी और सी बराबर क्या हो जाएगा वन वन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए ठीक है बेटा तो माइनस बी कितना है माइनस माइनस ट्वेंटी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर कितना माइनस ट्वेंटी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है बच्चा वन इंटू सी कितना है वन वन अपॉन में टू इंटू वन तो माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी हो जाएगा प्लस माइनस रूट में ट्वेंटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा फोर हंड्रेड और ये माइनस ट्वेल्व फोर इतना हो जाएगा फोर हंड्रेड एंड फोर्टी एट टू ठीक है डन तो इसका आंसर मी चेक एक बार क्वेश्चन हमने सही लिया है कि नहीं बाकी वो आंसर निकालो चलो ठीक है डन 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 सही जा रहा है सही जा रहा है ओके बेटा इसको कटपीट करो एक बार कटपीट करो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस ठीक है ठीक है ठीक है ओके डन 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 सही है सही है बेटा चलो जल्दी जल्दी आंसर बताओ कारपीट करके आंसर निकालो कौन सा क्वेश्चन था ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जल्दी जल्दी निकालो बच्चा ठीक है चलो देखो देखो बच्चा अब अगर मैं इसको चेक करूं तो देखो बेटा इसमें अगर मैं चेक करूं प्लस ट्वेंटी प्लस माइनस रूट में ये माइनस का फोर्टी एट आ रहा है अपॉन में टू अब यहां तक पहली बात पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बच्चा देखो ये माइनस में फोर्टी एट आ रहा है ना तो आप इतना कर भी सकते हो और ना भी कर सकते हो तो मैं कहां पर रोक सकता था देखो बेटा सिंपल सी बात है अगर मैं आपसे कहता कि इतना सॉल्व करो तो भी आपका आंसर करेक्ट था लेकिन अगर यहीं पर सिर्फ हम ये चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें रूट्स मिल नहीं रहे थे इसके तो मैं ये चेक कर लेता D निकाल लेता बस बी स्क् माइनस फोर ए सी से अगर ये नेगेटिव में आएगा तो आंसर ही खत्म हो जाएगा B कितना हो जाएगा बेटा माइनस ट्वेंटी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना बेटा वन इंटू वन वन ट्वेल्व ये है आपका फोर हंड्रेड ये फोर फोर्टी एट तो इस यहां से ये पता चल रहा है हमें कि बेटा इसकी जो वैल्यू आ रही है माइनस फोर्टी एट आ रही है डी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस फोर्टी एट जो की डी जो है लेसो है आपका no और अगर जब नो रियल रूट बनता है बेटा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं होगी यानी उसने पूछा है ना कि अगर ये फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल है तो उसके प्रेजेंट एज बता दो तो बेटा ये सिचुएशन तो फॉलो ही नहीं करेगी क्यों बेटा क्योंकि जो हमने क्वेश्चन लिखा है यहां पर उसका हमें सोल्यूशन नेगेटिव मिल रहा है डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू नेगेटिव में मिल रही है इसीलिए इसका आंसर नो रियल रूट हो जाएगा बेटा ठीक है डन समझा चलो वेरी गुड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो लास्ट क्वेश्चन हमारा ज इट पॉसिबल टू डिजाइन पॉर्क ऑफ ऑफ अटर एटीमीटर एंड एरिया इतना इफ सो देंथ ऑफ ब्रेथ सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है रूट मिल रहे हैं तो ये सेटिस्फाइड करेगा नहीं तो नहीं तो लिखते है बच्चा लेट लेंथ क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है L. और क्या हो बेटा? अभी फिलहाल के लिए एल और भी समझने के लिए तो बेटा पेरीमीटर क्या होता है आपका सर पेरीमीटर तो यही होता है क्या टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ यही होता ना बेटा जिसकी वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 80 मीटर लेकिन हमें स्क्वायर में करना था लेकिन अगर हमें स्क्वायर में करना था तो अब हम इस कंडीशन को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे अगर यहां से देखें बेटा टू कट जाएगा तो लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू आ गई है फोर्टी क्योंकि टू इसको कट कर देगा तो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फोर्टी दे रखा है ठीक है डन डन बच्चा समझ में आया समझ में आया बेटा चलो वेरी गुड वेरी गुड जस्ट वन सेकेंड चलो आगे देखो बेटा सॉल्व करते रहो सॉल्व करते रहो रुकना, रुकना, रुकना नहीं है बेटा रुकना नहीं है देखिए अब इस कंडीशंस को हम एक और तरीके से कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं वो देख लो बच्चा चलो देखो बच्चा बेटा l+b इतना आ गया है अगर मैं एरिया मानू बेटा एरिया कितना दे रखा है तो एरिया क्या होता है अभी सिंपल हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं लेंथ ब्रेथ इसकी वैल्यू दे रखा है 400 अब l+b आपको 40 दे रखा है l into b आपको 400 दे रखा है तो आप सॉल्व करो इसको जल्दी-जल्दी इसके l और b की वैल्यू निकालो दो इक्वेशंस दे रखे हैं बच्चे एक इक्वेशन ये दे रखा है एक इक्वेशन दूसरा सॉल्व करा जरा एक बार सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे बताओ कि लेंथ और ब्रेथ की इसकी वैल्यू क्या आ रही है जल्दी फास्ट फास्ट एवरीवन आया आंसर किसी का चलो बच्चा चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं आओ करते हैं हम बेटा चलो देखो ये तो रहा लीनियर इक्वेशन से सॉल्यूशंस। अब ध्यान से समझो बच्चा ध्यान से समझना हा 40, 40 मीटर में है, है? मीटर में, तो में ही हमें बनाना पड़ेगा हम लीनियर में बना नहीं सकते एल प्लस भी दो वेरिएबल्स हो जाएंगे तो एक को लेट सपोज हम लेंथ को एक्स मान लेते हैं ठीक है बेटा तो एक्स प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी फोर्टी तो सर बी की वैल्यू हो जाएगी फोर्टी माइनस एक्स ठीक है इतना मीटर मतलब बी के के जगह 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 पर 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 हम क्या 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 लिख देंगे बेटा इतना इतना समझ समझ लिया लिया सर लेंथ ले लिया, तो ब्रेथ के पर 40 -x कैसे आया हमने ये करके दिखा दिया क्लियर बच्चा इतना समझ में आ गया बस सिंपल सा प्रोडक्ट निकालेंगे एरिया एरिया कितना है बच्चा फोर्टी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर हंड्रेड इक्वल्स टू जीरो तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी एक्स माइनस फोर हंड्रेड इक्वल्स टू जीरो ठीक है बेटा समझा इतना एक सेकेंड क्या हो रहा है ये दिख रहा है हाँ ठीक है चलो बेटा अब देखो क्वेश्चंस में क्या आ गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी एक्स माइनस फोर हंड्रेड इक्वल्स टू जीरो माइनस डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का फोर हंड्रेड इक्वल्स टू जीरो दो रूट्स ढूंढो फोर्टी फोर हंड्रेड 40, की बेटा कौन कौन से होंगी सर ट्वेंटी और ट्वेंटी हो जाएंगे और कॉन्स्टेंट टर्म अगर प्लस है तो मिडल साइन दोनों को चला जाएगा बस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस फोर हंड्रेड इक्वल टू जीरो सर दो दो का पेयर बना लेंगे एक्स माइनस ट्वेंटी एक्स ब्रैकेट में कॉमन लिया एक्स माइनस ट्वेंटी जो नंबर है, जो, जो है वो साइन दो जो नंबर है वो नंबर दो एक्स माइनस ट्वेंटी लगा दो बच्चा एक्स माइनस ट्वेंटी इसमें आ गया एक्स माइनस ट्वेंटी दूसरे ब्रैकेट में आ गया क्योंकि दोनों में सेम है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा ट्वेंटी कॉमा एक बार एक बार एक्स की वैल्यू ट्वेंटी दूसरी बार भी एक्स की वैल्यू ट्वेंटी आ चुकी है यानी ट्वेंटी ट्वेंटी आ चुका है तो सर लेंथ अगर मैं रखूं लेंथ अगर मैं रखूं एक्स की वैल्यू ट्वेंटी तो सर ब्रेथ भी ट्वेंटी आ जाएगा क्योंकि फोर्टी माइनस ट्वेंटी क्या होता है बेटा आपका फोर्टी माइनस ट्वेंटी आपका होता है ट्वेंटी क्लियर समझ में आ गया तो ये पॉसिबल था क्वेश्चन में आपके ठीक है डन क्लियर बच्चों डन बच्चों तो ये रहा आपका क्वेश्चंस ठीक है और अभी हमारा एक नया बैच चल रहा है उन्नति बैच इसमें सिर्फ एक दो क्लासेस हुई है यानी चैप्टर वन हमने कंप्लीट कर लिया है बेटा चैप्टर टू स्टार्ट हो रहा है हमारा और ध्यान रहे बच्चों अगर आप नया बैच ज्वाइन करना चाहते हो जो कि इंडस्ट्री में सबसे कम पैकेज में है यानी इसमें दो दो बैचेस आपको मिल रहे हैं पहला एक उन्नति बैच जिसमें मैं आपको लाइव सेशन पढ़ाऊंगा और दूसरा एक निपुण बैच जो हमारा कंटेंट यानी वर्कशीट अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं उसको करना है या पंद्रह सैंपल पेपर मैथ्स के पंद्रह साइंस के पंद्रह एस के और पंद्रह इंग्लिश के अगर आपको करना है बच्चा फिफ्टीन फिफ्टीन तो उसकी भी इसमें लाइव फ्री में मिल रहा है तो जल्दी जल्दी जाइए वाई का कोड यूज करेंगे ना बताइए ट्वेंटी वन जो बन जाएगा वो आपका दो हजार पचास रुपए के अप्रोक्सिम बढ़ जाएगा और अगर आप क्वाइन यूज करते हो तो, तो ये और कम पैसे में हो जाएगा तो जल्दी जल्दी जाकर इस बैच को प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए और मिलिए हमारे बैच में उसमें हम और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा एनसीआर नहीं सॉल्व करवाता वहां पर मैं आपको सॉल्व करवाता हूं जो बोर्ड में आते हैं बेटा ठीक है उसके अलावा ये निपुण बैच जो कि उसमें फ्री है अगर आप चाहते हो कि नहीं निप, हमें लाइव क्लास नहीं चाहिए सिर्फ वर्कशीट और सैंपल पेपर चाहिए तो ये फाइव डबल नाइन का कोड है बेटा यानी वाई नाइन टू नाइन का कोड लगाओगे तो ये में कुछ फाइव एट फाइव के अराउंड में आपको पड़ जाएगा बच्चा ये जो कि बेसिक्स है उसके अलावा साथ में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो आप और इस संकल्प भारत फाउंडेशन को ज्वाइन कर लेना बेटा सो so दैट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट की पी और क्लास की पी डी एफ वहाँ मिलनी स्टार्ट हो जाए दूसरा अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बेटा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ मोटिवेशन और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको देता रहता हूँ तो अगर इस चैनल पर नए हो तो जरूर इस पर प्यार देना इसको सब्सक्राइब कर लेना बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट है